दोस्तों धरना निरंतर चल रहा है और अपनी मांगों को लेकर धरने पे जरूर आइए। देख सकते हैं आप पीछे आज कितनी भीड़ है और इस तरीके से लगातार आप धरने में आते रहिए, क्योंकि हमारे मांगे जो है जायज हैं और अपनी मांगों को लेकर धरने पे आते रहिए और हमारी मांगे बहुत जल्द पूरी होने जा रही हैं। और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, आगे हम आपको दिखाते हैं धरने की सारी चीजें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय वो हिल सकते हैं तो हमारे बीच आज उत्तर प्रदेश में इस मार्ग समिति की संघर्ष के लिए हमारे हकों के लिए हमारे बीच आए, हम उनका बहुत हृदय दिल से धन्यवाद करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, प्रदेश के वो तमाम छोटे बड़े संगठन महासंघ का समर्थन हमें प्राप्त हुआ है और जो हमारी काम योजना है उस काम योजना के तहत जो ऐलान हुआ है वो तिथि वो समय निर्धारित किया गया है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम 10-12 से 13 लाख कर्मचारियों के संख्या बल में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास का घेराव करेंगे, हम उनके हर ज्ञापन देने जाएंगे। आज समर्थन किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता हरेंद्र बाबू जी हमारे बीच आए हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। एक बार उनके लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें और मैं उनको बुलाना चाहूंगा, आप लोगों को भी आश्वस्त करें। धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार। धन्यवाद, सुने इनको। धन्यवाद शायद अध्यक्ष जी हैं, तो धन्यवाद अध्यक्ष जी का और पूरी कमेटी का कि मेरे जैसे एक छोटे से किसान के बेटे को आप इतना सम्मान दे रहे हैं। और धन्यवाद है आप सबका कि जो अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीख गए। और सबसे बड़ा धन्यवाद है इस मात्र शक्ति को, क्योंकि इनको तीन काम करने पड़ते हैं। घर का काम करना पड़ता है, फिर नौकरी करनी पड़ती है और फिर तुम्हारे साथ धरने में बैठना पड़ता है। तो धरने से तो डरना नहीं, क्योंकि मेरा एक ही कहना है कि जो डर गया समझो मर गया, और जो जिंदा रहता है वही लड़ता है, मरा हुआ कभी नहीं लड़ पाता। तो आप ये सरकार को बताते रहना कि हम जिंदा हैं, ये सोच लेना, क्योंकि जब 13 महीने तक हम बॉर्डर पे रहे तो ये दलाल मीडिया जो आपको भी नहीं दिखा रही होगी। तो चलो मैं बात शुरू करूं, उससे पहले सब अपने अपने मोबाइल निकालो। आज तुम्हें सिखाता हूं कि आंदोलन कैसे लड़ा जाता है। जिसके पास फेसबुक है, जिसके पास ट्विटर है, जिसके पास इंस्टाग्राम है और जिसके पास व्हाट्सएप है, सब वीडियो बनाओ एक दूसरे की, जो भी यहां बोले लाइव चलाओ और फैला दो, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है। ये देश के हर कर्मचारी तक आपकी बात जानी चाहिए, क्योंकि जो देश का कर्मचारी जिस दिन जाग जाएगा, मेरा दावा है सरकार के को नाक रगड़नी पड़ेगी, वो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या भारत सरकार हो। जब 13 महीने हम लोग बॉर्डर पर लड़े थे तो ये दलाल मीडिया हमसे कहती थी
के मोदी है, पीछे नहीं हटेगा। तो हमने भी कहा था कि भाई मारे भी ट्रैक्टर में बैग गिरना। हमारा ट्रैक्टर भी पीछे नहीं हटता, जब भी आएगा दिल्ली का चक्कर मार के घर को जाएगा। 13 महीने हम लोग सड़कों पर रहे, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, और आप लोगों ने देखा था वो जो 3 काले कानून थे वो किसानों के लिए नहीं थे, वो देश की गरीब जनता के लिए थे। क्योंकि हम लोग तो अपने खेतों में अनाज पैदा कर लेते, थोड़ा कम पैदा हो जाता अपने लिए तो गुजारा कर सकते थे, लेकिन हमारे देश की वो गरीब जनता जो मजदूर है, जो छोटा कर्मचारी है, क्लर्क है, चपरासी है, माली है, कपड़े धोने वाला है, वो और उसका परिवार भूखा मर जाता। और हमने कसम खाई थी कि रोटी को काले में बंद नहीं होने देंगे, और वो कसम हम खा करके मोदी को हमने हटाया था, रुलाया था, कान पकड़वाया था। और तब भाई उस पर रात को आकर के टीवी पे कहता है, भाइयों गलती हो गई। तो ये ताकत है एकता की, अगर आप लोग एकता बना करके रखोगे तो एक दिन बाबा जी को भी आके कहना पड़ेगा कि अध्यक्ष जी गलती हो गई, और उस गलती को सुधारने का एक ही कारण है कि वो अभी और भी काम करेगी सरकार, क्योंकि सरकार के हाथ बहुत लंबे होते हैं। वो इस दलाल मीडिया से कहलवाएगी, क्योंकि मैं आपके अध्यक्ष से आज पहली बार मिला हूं, मुझे नहीं पता इनका व्यवहार कैसा है। मैं तो आज लखनऊ आया था किसी काम से, तो मेरे पास एक सोशल मीडिया के पत्रकार जो दिल्ली में हमें कवर करते हैं, मैं आपको नाम बता देता हूं, नेशनल दस्तक, शंभू के एक कैमरामैन का मेरे पास फोन आया कि ताऊ जी लखनऊ में हो, मैं कहा ताऊ जी इको गार्डन जरूर जाना, और मुझे उन्होंने 2 नाम बताए थे, अभी मुझे दूसरे भी ढूंढने पड़ेंगे। एक तो उन्होंने बताया था कि कर्मचारियों का धरना चल रहा है जो पार्कों में थे, वो आप हैं, और एक बताया था 69,000 शिक्षक भर्ती का है गेट पे। चलिए मैं उनसे भी मिलके जाऊंगा, और आप हिम्मत ना हारना। सबसे बड़ी बात है, जिस दिन आप हिम्मत हार जाओगे आप ये आंदोलन हार जाओगे। मुझे अभी बताया आपके साथियों ने कि कुछ कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया, कुछ का ट्रांसफर दूर दूर कर दिया गया, और कुछ के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई आपके खिलाफ। चलो इनके तो होने दो भाई, नेता बनोगे तो जुल्म तो सहोगे ही थोड़े से। तो हमारे खिलाफ भी जब हम धरना दे रहे थे तो पूरे भारत में हमारे किसानों पर 55,000 मुकदमे दर्ज हुए थे, 55,000। और जो लिखित में दिए थे मोदी ने कि आप आंदोलन आज मैं वापस कर रहा हूं, आपके मुकदमे भी वापस होंगे, और जो 750 किसानों ने शहादत दी थी उस आंदोलन में, जो लौट के घर नहीं गए, घर से आए थे हमारी लड़ाई लड़ने, हमारी लड़ाई तो हम जीत गए, लेकिन हमारे सर पर एक कर्जा वो छोड़ करके गए कि जब वो अपने घर नहीं जा पाए। आज भी हम उनके परिवार के ऋणी हैं, और जब तक जिएंगे तब तक उनके परिवार के ऋणी रहेंगे कि हम आपके परिवार को वापस नहीं ला सकते। तो आपके बीच से भी कुछ साथी गए हैं, तो ध्यान रखना, चाहे एक एक रुपए से उस परिवार की मदद करना, जो साथी आपके बीच से चला जाए उस परिवार का हमेशा ख्याल रखना।
पता नहीं कल हमारी बारी है, परसों किसी और की बारी है, जाना सबको है। लेकिन एकता जब ही बनेगी अगर आप अपने किसी साथी के साथ अगर कोई दिक्कत आती है तो आप उसकी मदद करते हैं। माइक बंद कर। रही आपकी मांगों की बात, तो जितना इस ताऊ से बनता है आज उससे ज्यादा करके लखनऊ से वापस जाएगा, ऐसा नहीं है। आज ये पोस्ट आपकी जो आपने मुझे ज्ञापन दिया है, ये मेरा दावा है, आज ये प्रधानमंत्री तक भी पहुंचेगा और आज ये मुख्यमंत्री तक भी पहुंचेगा और देश के सर्वोच्च नागरिक वो चाहे कार्रवाई करे या ना करे, लेकिन ये राष्ट्रपति तक भी जाएगा। बहुत सही कर्मचारी एकता, हर अंदर तल संघर्ष करो, हर अंदर तल संघर्ष करो। देखिए नारे लगाए जाते हैं, कभी मेरे नाम का मत लगाना, मैं ना नेता हूं ना अभिनेता हूं, पैदल चलने वाला हूं। कभी सोच रहे हो कार से आया, कार तो एक साथी था, मेरा तो रिजर्वेशन था, मैं तो रेल से आ रहा था। वो कहने लगा कि हम भी कार से जा रहे हैं लखनऊ, तब हमारे साथ चल लेना। तो मेरे तो 350 रुपए खराब हो गए जो रेल में चले गए, मुझे तो उसका दुख है, कार से आया उसका सुख ना। सच्चाई है पैदल चलने वाला हूं, मेरे पास साइकिल भी नहीं है। और आपको जान करके शायद खुशी होगी या दुख होगा ये मुझे नहीं पता कि ये ताऊ ना बाबा के बुलडोजर से डरता है और ना मोदी के खौफ से डरता है। बाबा में हिम्मत हो तो ताऊ का घर ढूंढ के बुलडोजर चला दे, इस हिंदुस्तान में ताऊ का घर ही ना, तो बुलडोजर से तो ताऊ डरेगा नहीं। और ताऊ का बैंक में खाता ना तो ईडी और इनकम टैक्स की औकात नहीं, और ताऊ के लिए जेल है ताऊ की ससुराल। याद रखना ताऊ जेल को ससुराल मानता है और मैं अपनी ससुराल 17 बार जा चुका हूं, और मैं कई साल से कह रहा हूं कि अवश्य ज्यादा दिन हो गए ससुराल गए हुए, कम से कम 18वीं बार तो भेज दो। 13 महीने बॉर्डर पर है, नहीं भेजा। हमारी बेटियां जंतर मंतर पर, पहलवान बेटियां जिनको घसीटा गया, इंटरनेशनल पहलवान बेटियां जिसको मोदी कहता था विनेश तू तो मेरी बेटी है, मेरे परिवार जैसी है, और जिस वो ऐसा नालायक बाप मर जाना चाहिए जो अपने घर के नीचे बैठे अपनी बेटियों को ना देख सका हो, और उस उन बेटियों का दोषी उसी मोदी की बराबर में बैठा हो संसद में, तो ऐसे बाप को आप लोग क्या कहोगे। दर्द होता है लेकिन गलती हम ही लोगों ने की है कि सरकार भी हमने ही बनाई। तो इस बार अपना देख लेना कि जो आपको फोर्थ क्लास का पे ग्रेड क्या 1900 रुपए है शायद उत्तर प्रदेश सरकार का, अगर 1900 से कम दे तो तुम भी वोट मत दियो उसे। जो आपके आपको और आपके बच्चों को चिकित्सा सुविधा ना दे तो वोट मत दियो उसे। जो विधायक सांसद तुम्हारे घर आए वोट मांगने, गेट तो खोलना जरूर, पानी भी मत पिला देना और कटेरों में मिर्च दिखा देना कि हमारे घर तो यो मिले है, बस लाल मिर्च दिखा देना। और ये महिला शक्ति को जरूर करना, अरे बेलन है ना घर में है? एक हाथ के कटोरे में मिर्च हो और एक हाथ में बेलन हो, याद रख लेना
हंसने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो आवे ना, तो हम तो किसान है, तुम्हारे तो सांता मिले है। सांता तुम लोग जानते नहीं होगे, सांता हो एक डंडा हो और उसमें तीन लड़ी हो जाम की, जिससे हम बैल हाँकते हैं, झोटा हाँकते हैं। तो ये जो संसद में और विधानसभा में बैठे हैं, जो तुम्हारी पेट लेकर के बैठे हैं, ये उसी से हाँकने पड़ेंगे या ध्यान रखने, क्योंकि ये 5 साल में आएंगे तुम्हारे यहां और हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे, और किसी के घर 500 रुपए पहुंचेंगे, किसी के यहां साड़ी पहुंचेगी। मने मैं किसी को नहीं करता, ले सबसे लियो, इनके बाप का पैसा ना हो, तुम्हारे टैक्स का पैसा, जो लेता तुम्हें कुछ दे ले लेना, पर वोट मत देना, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो पैसा आपका है। और जिस तरीके से वोट लेकर के आपको यहां सड़कों पे बैठाया है, उसी तरीके से जो वो दे उसे लेकर के और उसे भी सड़कों पे कर दो, विधानसभा में क्या जरूरत है उसकी। जब तक आप लोग ऐसा नहीं करोगे, आप लोग भी और हम भी यही सड़कों पर रहेंगे। तो इस सड़कों से अपने घरों जाने के लिए बस यही एक आपका वोट का अधिकार है। उस दिन मत बिक जाना और अपने आस पड़ोस के सब लोगों से कहना कि जो मिल रहा है ले लो, पैसे वोट मत दियो। फिर देखना अगले चुनाव में मैं तो मैं, बाबा जी भी तुम्हारे गेट पे खड़ा मिलेगा। जो आप लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए, खुश हो रही है सरकार कि आप पे मुकदमे दर्ज कर दिए, कुछ को जेल भेज देंगे। संसद में रो रहे थे, देखी होगी सेज फोटो है? तो अपने पे जब आती है ना, तब पता चलता है कि जब FIR दर्ज होती है तो संसद में रोते हैं, और यहाँ देश की जनता को FIR कर करके घर पे बुलडोजर चला चला के गरीब का घर तोड़ के, अरे अपराध मैंने किया है, मुझे सजा दो, मेरे बच्चों की क्या गलती है भाई, मेरे बच्चों की क्या गलती है, उनके घर क्यों तोड़ते हो? और तोड़ने से देश की संपत्ति का नुकसान होता है। अगर मेरा घर है, आपको चाहिए, नीलाम कर दो, बेच दो, कम से कम जो उसे बनाने में तोड़ने में जो खर्चा आया वो तो राष्ट्र की संपत्ति है, वो तो बची रहे। लेकिन करे कौन, ना तो जो वहां बैठा है गुजराती, ना तो उसके बालक, और जो तमने बैठा रखा ना उसके बालक, तो पता कैसे चलेगा बच्चों को कैसे पालते हैं? मेहनत करते नहीं, एक ने कह दी 35 साल मैंने भीख मांग ली, एक कह रहा मैं भी भिखारी हूं, तो भाई भिखारी को तो भीख मांगने पर लगा दो, राजपाट में तो किसी और को बैठा दो। जो शिक्षा की बात करे, जो स्वास्थ्य की बात करे, जो महंगाई की बात करे, जो कर्मचारियों की पेंशन की बात करे, जो महिलाओं के सम्मान की बात करे, जो किसानों की बात करे, किसानों की MSP की बात करे, वोट अबके उसे देना। और जो मंदिर मस्जिद की बात करे, जो हिंदू मुसलमान की बात करे, भाई उसे अबके वोट नहीं देनी। उसे वोट देनी है कि 10 साल दिल्ली सरकार को हो गए, 7 साल इस सरकार को हो गए, ये बता दो कि लाल किले से जो वादे किए गए थे, और लाल किले से कोई किसी पार्टी का अध्यक्ष नहीं बोलता, लाल किले से बोलता है देश का प्रधानमंत्री। और अगर देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलने लगे तो फिर किस पे विश्वास करोगे? इसलिए आपकी मांगों का जो मैंने पढ़ लिया है पूरा, और इसके लिए मैं पूरी भरसक कोशिश करूंगा, और मेरा नंबर तो किसी के पास ना हो तो मैं बता देता हूं, बस गूगल पे डाल देना और बोल देना हरेंद्र ताऊ का नंबर बता दो, अपने आप आ जाएगा सब पे।
मैंने तो सार्वजनिक कर रखा है, मेरी फेसबुक पे भी है, मेरे ट्विटर पे भी है, मेरे इंस्टाग्राम पे भी है। भले ही मैं चलाना कम जानता हूं पर मैंने खाते सारे खोल रखे। इनसे हर मोर्चे पर लड़ता हूं मैं, नहीं वो करता। एक दिन मुझे सम मारने की कोशिश की गई गाजियाबाद के अंदर सरकारी हॉस्पिटल, रात को 11 बजे मुझे मैंने पुलिस बुलाई और मैंने उनसे कह दिया कि शेर बीमार है, मरा नहीं है। और शेर कितना भी बीमार हो, कभी कुत्ते शेर का शिकार नहीं कर सकते, ये ध्यान रख लेना। तो अपने आप को शेर बनाओ, शेर, क्योंकि जब शेर चलता है तो अकेला चलता है, झुंड में तो सुअर चलते हैं। और आप देख लेना कौन कौन झुंड में आएगा। आप देखते हो लखनऊ में रहते हो, राजधानी में रहते हो, तो कौन कौन झुंड में चलता है। अरे मैं उत्तर भारत का रहने वाला हूं, भारत की जनता है, भारत की जनता मुझे क्यों मारेगी भाई। या तो मैंने डकैती करी हो, मैंने चोरी करी हो, मैंने बलात्कार किया हो, या मैंने किसी का हक मारा हो, तो मुझे वो ही मार सकता है। और मैंने ये काम किया नहीं, जनता ने मुझे जनप्रतिनिधि बनाया। तो जनप्रतिनिधि क्यों बनाया तुम्हें, इसलिए बनाया कि हर व्यक्ति विधानसभा या संसद नहीं जा सकता, हमारे अधिकारों के लिए हमारी आवाज उठा। और जब वो जनप्रति आवाज नहीं उठाए तो वो आपका जनप्रतिनिधि नहीं हो सकता, वो लुटेरा हो सकता है, वो डाकू हो सकता है, वो बलात्कारी हो सकता है। और ऐसे बलात्कारी की ना विधानसभा को जरूरत है ना संसद को जरूरत है। तो ऐसे व्यक्ति चाहे वो मेरे कहने से, चाहे मेरे भाई हो, उसे भी वोट मत देना। जब तक आप लोग नहीं सुधरोगे, ये नहीं सुधरेंगे, इन्हें सुधारना भी हमें पड़ेगा। तो आपकी जो मांग, मैं आपसे फिर अनुरोध करता हूं, आप लोग धरना दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपका हमेशा सम्मान करता हूं, क्योंकि इस देश को आंदोलन से ही बचाया जा सकता है। अगर आप ये सोचो ये राजनेता हमारे देश को बचा जाएंगे, तो ये राजनेता हमारे देश को लूट करके खा रहे हैं। इस देश को आंदोलन से बचाया जा सकता है। और जब जब भी आंदोलन हुए हैं, एक देश में क्रांति आई है। और ये आपकी आज की मांग मैं लगभग 10 बार भेजूंगा बाबा को, 10 बार भेजूंगा प्रधानमंत्री को, और जब तक वो जवाब नहीं देंगे, मैं डीजीपी से पूछूंगा कि किस किस कर्मचारी पे, जो वर्गों के कर्मचारी है, किस किस पे आपने FIR दर्ज की है, उनका क्या दोष है, ये उसको बताना पड़ेगा। और जब तक डीजीपी, क्योंकि डीजीपी भी तो टेम्परेरी बनाए उत्तर प्रदेश में, तो जिस प्रदेश में बाबा जी डीजीपी भी ना दे पाते हो, बताओ काय का मुख्यमंत्री और डबल इंजन की सरकार बताते हैं। भाई डबल इंजन की सरकार कैसे बढ़िया हो हमें बता दो। जब हम खेत में से ट्रैक्टर ट्रॉली में गन्ने भर के लेके चलते हैं और हमारा ट्रैक्टर पुराना है तो फंस जाएगा, कमजोर है, उसे निकालने के लिए ही तो दूसरा ट्रैक्टर जोड़े। जब हमारा पहला इंजन कमजोर है तभी तो हम दूसरा इंजन जोड़ेंगे। तो हम डबल इंजन क्यों जोड़े हैं, पहला इंजन मजबूत बना लो, पूछ लियो जब ये डबल इंजन की क्या है, यही उदाहरण रख देना उसके सामने। तो आप लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और आपके इस आंदोलन को देख करके मुझे भी वो 13 महीने याद आते हैं। और जब हम आंदोलन करते थे, 13 महीने रहे, तो हमें लगा कि हम गलत फंस गए दिखे हैं, कि सरकार नहीं सुन रही, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया। और जिस दिन 2 महीने हो गए,
फिर तो गाजीपुर बॉर्डर हो या कोई सा भी बॉर्डर हो, ऐसा लगे था घर तो यही है, जो हमारा असली घर है वो तो घेर है। और आपको एक और बता देता हूं कि देखिए 13 फरवरी को फिर किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। तो यहां तुम लड़ो और ये हमेशा मेरे हाथ में रहेगा, दिल्ली में थारी लड़ाई मैं लड़ दूंगा। तेरह तारीख से तुम्हारी आवाज दिल्ली में उठनी शुरू हो जाएगी। 16 तारीख को भारत बंद है, यह भी किसानों का ऐलान है। तो उस दिन भी आप भारत बंद में सहयोग करना। और एक एक पोस्ट कर देना, एक गार्डन में बैठा हुआ एक एक कर्मचारी भारत बंद का समर्थन करता है, यहीं से आवाज उठेगी। और दिल्ली से मैं बोलूंगा कि बाबा की कहा लखनऊ आज ही बंद हो चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बोलने को तो बहुत, क्योंकि आधा घंटे में तो मेरा इंजन ही स्टार्ट हो गए। जाना कई जगह है, तो आप ये मत सोचना कि ताऊ थोड़ी देर के लिए आए, ताऊ साधन विहीन है। ये मत सोचना कि ताऊ इतने दिन बाद क्यों आया, मजबूरी है। आपसे 600 किलोमीटर दूर रहता हूं, लेकिन हिंदुस्तान के जिस कोने में भी देश का एक नागरिक भी अगर दुखी है तो समझ लेना ताऊ दुखी है। मैंने कसम खा रखी है, वो चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, जब तक जीऊंगा उनकी आवाज बुलंद करता रहूंगा। और जिस दिन ये ताऊ मरेगा, ना हिंदुस्तान की 2 गज जमीन मुझे दफनाने के लिए चाहिए, ना मुझे 2 गज जमीन फूंकने के लिए चाहिए, ना मुझे 4 भाइयों का कंधा चाहिए, क्योंकि 2007 में ये पूरा शरीर ताऊ एम्स को डोनेट कर चुका है। तो जब तक जीऊंगा तुम्हारी लड़ाई लड़ता रहूंगा, और जिस दिन मर जाऊंगा तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए अपना शरीर दे जाऊंगा। ये फाड़ो जाओ और देखो जाओ क्या क्या था ताऊ के अंदर। जोरदार तालियां बजाइए। और एक चीज और याद रखना, जब हम मर जाते हैं, जो हम हिंदू धर्म के हैं हमको फूंक दिया जाता है, जो मुस्लिम धर्म के हैं उनको दफना दिया जाता है, मरने के बाद हमारा शरीर बेकार हो जाता है। इस देश के अंदर कई लाख लोग आंखों से बेग, जिनके आंखें नहीं है, तो अगर कोई कर सकता है तो मरने के बाद अपनी आंखें डोनेट कर देना, आपकी दोनों आंखों से 2 व्यक्ति लोग देख सकेंगे इस सृष्टि को। ऐसे कर दो, बस हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और आप इकट्ठे रहना, संघर्ष करते रहना, और आपके संघर्ष को ताऊ सलाम करता है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, इतने जोर से लगाना कि आज तो बाबा के कान का पर्दा खुल जाना चाहिए। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद भारत माता की जय। बंदे मातरम। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। लड़ेंगे जीतेंगे, जीतेंगे लड़ेंगे, जीतेंगे लड़ेंगे, जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका बाबा के पास क्यों जाएंगे, जीत के अपने घर जाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच आए हमारे बड़े बुजुर्ग ताऊ जी, ताऊ हरेंद्र ताऊ जी, मैं कहूंगा जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए हरेंद्र ताऊ जी के लिए। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ दोनों ने आके हमारे कर्मचारी भाइयों में एक उत्साह अर्जन किया, एक जोश जगाया, उसके लिए मैं कोट कोट धन्यवाद करूंगा। फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे किसान आंदोलन के, अभी जो आपने सुना किसान आंदोलन के जो है ये आए हुए थे, जिन्होंने किसान आंदोलन 13 महीने जो है संचालन किया था।